बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। भाई इकामा एक्सपायर है, हरूब है, मतलूब है, बदून कफील है, कंपनी से भागे हुए हैं, तमाम भाई इसी जुमरे में आएंगे। मैं आपको ये साथ में भाई दिखा देता हूँ, मैं ये वीकली रिपोर्ट यार, ये परदेशियों के लिए एक मैं बोलता हूँ अहम वीडियो होती है, ये रिपोर्ट जो है ना ये अहम होती है। उसकी रीज़न क्या है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई इकामा एक्सपायर वालों के ऊपर कितनी सख्ती है, हरूब वालों के ऊपर कितनी सख्ती है, बदून कफील साय खास वगैरह वाले इनके ऊपर कितनी सख्ती है, या मतलूब वालों के ऊपर क्या सीन है। अच्छा, आज ही एक भाई मुझसे रابطے में थे, जैसा कि व्हाट्सएप नंबर में मुख्तलिफ वीडियोस में दिखाता हूँ जी, और वो मुझसे रابطے में थे और मुझे बोल रहे थे कि भाई मेरा हरूब था और मैंने वहां पर जाकर यानी कि शुरतों को पकड़ाई दिलवाई। अभी आप खुद समझ सकते हैं कैसे शुरतों को उसने पकड़ाई दिलवाई होगी, शुरते उसको पकड़ कर ले गए, वहां पर जाकर बोलते हैं जब शमसी में मेरे फिंगर हुए तो वहां पर मेरा मतलूब शो हो गया, जब मतलूब शो हुआ तो मुझे उन लोगों ने बोला कि भागो तुम। यानी कि मतलूब वाला बंदा तो भाई जब तक वो मतलूब वाला उसके ऊपर केस है वो क्लियर नहीं करेगा, उस टाइम तक उसे शुरते भी डिपोर्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ है, जैसा कि हज बसना वाले हैं, ये शुरते इनको पकड़ भी लेते हो, सॉरी इन्हें डिपोर्ट नहीं करते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं, बोलते हैं हज का जो फाइन है ना 10,000 रियाल का वो पे करो फिर जाओ। हाँ, अलग वो अलग मामला है कि किसी एजेंट वगैरह के थ्रू बात हो जाए। अच्छा जी, इस न्यूज़ के मुतल्लिक बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आज टोटल जो है जी फिंगर वो दिखाऊंगा मैं, और वो है जी आपके सामने, यहाँ पर आपको साथ में दिखा रहा हूँ मैं, 9,305 9,300 बंदा भाई पिछले 7 दिनों में गिरफ्तार उठाया है शौतों ने, दौरियात ने, मरूर ने, ठीक है। इनमें अभी है कौन कौन से, आपको मैं जितने बंदे डिपोर्ट तरहील किए गए वो भी बताता हूँ मैं। इनमें सुन लें, इनमें भाई सॉरी मुखालफा निज़ाम इकामा, जिन बंदों के इकामे एक्सपायर थे, इनकी भाई तादाद है 5,170 बोल रहे हैं यार, 5,170 बोल रहे हैं, ये इनकी तादाद है जी मुखालफा निज़ाम इकामा एक्सपायर वालों की। आगे जी मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, गैर कानूनी तरीके से इंटर होते या निकलते हुए जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी तादाद है जी 2,864, यानी कि 2,860-2,870 के अराउंड में बंदे भाई जो कि गैर कानूनी तरीके से इंटर होते निकलते हुए गिरफ्तार किए गए। अच्छा जी, आगे जी मुखालफा निज़ाम अल अमल, ये वो बंदे हैं जिनका भाई काम ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अभी रंग का काम किए जा रहा हूँ, हालांकि मेरा वो महीना ही नहीं है, तो भाई मुझे वो पकड़ेंगे और मुझे बोलेंगे आजे भाई आप मेरा हालांकि रंग का काम दहानात का महीना होना चाहिए, आप किसी मुसस्से या कफील के अंडर में काम कर रहे हैं, कफील ने मुसस्सा वगैरह बनाया हुआ है, जो भी है आपका महीना भाई है साय खास का और आप रंग किए जा रहे हैं, फिर आपको पकड़ेंगे। और आप इस जुमरे में आए, इनकी तादाद है जी 1,273 अफराद पिछले 7 दिनों में, ये ऐसे बंदे गिरफ्तार किए गए जो कंपनी से भागकर बाहर काम कर रहे हैं या कफील के साथ कोई भी किसी किस्म का एग्रीमेंट किया हुआ है, बाहर अपनी दिहाड़ी लगाए जा रहे हैं। उसके बाद ये अगर तरहील की बात करें, पिछले 7 दिनों में भाई यहां मैं आपको दिखा रहा हूं मैं 5,062 बंदे पिछले 7 दिनों में तरहील डिपोर्ट किए गए हैं, और ये भाई वो बंदे हैं जो इकामा एक्सपायर की सूरत में, हरूब की सूरत में, बदून कफील की सूरत में, मुखालफा निज़ाम अमल यानी के उस सूरत में जो गिरफ्तार हुए तो वो डिपोर्ट किए गए हैं। तमाम परदेशी भाई यार जिनके इकामे वगैरह एक्सपायर हैं, आप बाहर नकल कफाला ले जाएं, चंद पैसे तो लग जाएंगे आपके लेकिन आप लीगल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी हालात के मुतालिक बात करें तो वो तो भाई आप अपने प्यारों से पूछ सकते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है।